हमने क्विक रिस्पांस टीम रिश्ते ही काम आएंगे। पीओके का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। हेलो हाय एवरीवन, आई एम एस्ट्रेलर टू डेज स्पेशल वीडियो न्यूर फाइटर मूवीज एडवांस टिकट बुकिंग स्टार्ट गाइज। तो कल के दिन है ना, यह पूरा ऑल इंडिया में रिलीज हो रहा है और इस फिल्म को जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो हैं सिद्धार्थ आनंद, जो कि अगले साल पठान मूवीज को डायरेक्ट किए थे जिसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण थे और पठान मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 से भी ज़्यादा कलेक्शन किया था। तो उसी प्रकार गाइज, सिद्धार्थ आनंद ने इस साल पहली यह फाइटर मूवीज रिलीज कर रहे हैं, यानी कि कल 25 जनवरी को, जो कि 26 जनवरी से पहले रिलीज कर रहे हैं। और यह जो फिल्म है, एक तरह के देखा जाए गाइज, ये हमारे देशभक्ति के ऊपर आधारित है। इसमें ऋतिक रोशन है, दीपिका पादुकोण है और अनिल कपूर जी हैं। और आप लोगों को बता दें कि इसमें गाने सारे सुपरहिट हैं और सबसे ज़्यादा बात यह है कि हमारे इंडियन फोर्स जो हैं उसके ऊपर आधारित ये फिल्म है। एक तरह के इंडिया व पाकिस्तान के बीच की स्टोरी को दिखाया गया है और आप लोगों को इस फिल्म में क्लाइमैक्स बहुत सारे देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात करते हैं कि गाइस, इस फिल्म को जो डायरेक्ट किए थे सिद्धार्थ आनंद, उसकी कई सारे सुपरहिट फिल्म है ना तहलका और बवाल मचा के रख चुका है गाइस। जिस प्रकार पठान 1000 से भी ज़्यादा करोड़ की कलेक्शन किया था, तो आज आप लोगों को हम बता दें कि फाइटर मूवीज का एडवांस टिकट बुकिंग अभी तक में कितना हुआ है। गाइज, आप लोगों को बता दें कि ओवरसीज में है ना अभी तक में 6 करोड़ तक की कमाई कर चुके हैं आउट ऑफ कंट्री। और इंडिया की बात करते तो इंडिया में 5.5 करोड़ का एडवांस टिकट बुकिंग स्टार्ट हो चुका है। और आप लोगों को बता दें कि शाम तक में कम से कम 8-9 तक चला जाएगा। और आप लोगों को बता दें कल के दिन है ना यह मूवीज पहले दिन ही कितना कलेक्शन करेगा, मिनिमम 35 से 40 करोड़ तक के कर सकते हैं गाइज, क्योंकि ये हमारे देशभक्ति के ऊपर आधारित है। और ऐसे तो एडवांस टिकट बुकिंग देखा जाए तो बहुत ही कम 10-12 करोड़ तक हुआ है, लेकिन उछाल ले सकता है गाइज, क्योंकि अभी ऑडियंस का कुछ आंकड़ा नहीं पता चल रहा है। और मुंबई में बात कर रहा, मुंबई में 375 शो चलाया जा रहा है। तो गाइज, एक तरह के देखा जाए तो बहुत ही अच्छा शो है, रिस्पॉन्स मिल रहा है। और दिल्ली NCR की बात किया जाए तो दिल्ली NCR में भी 450 शो है। तो एक तरह के देखा जाए तो वहाँ पर भी और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। और आप लोगों को बता दीजिए, पूरा ऑल इंडिया में जो इस फिल्म को स्क्रीन मिल रहा है वो है करीब 4000 स्क्रीन पे रिलीज किया जा रहा है। एक तरह के देखा जाए तो आप लोगों को यूनिक चीज़ आप लोगों को इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और सारे चीज़ है ना, एक तरह के देखा जाए एयरफोर्स के ऊपर आधारित है और सारा एकदम एयरप्लेन जो है उसके ऊपर टकराते हुए सारी चीज़ नज़र आते हैं। एक तरह का देखा जाए तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा इससे सीख मिलने वाली गाइज, क्योंकि ऋतिक रोशन को तो आप लोग जानते हैं, उसका जितना भी फिल्म आता है गाइज उसका तो डांस रहता ही है, एक्शन से भरपूर रहता है। ऋतिक रोशन के फैन फॉलोवर पूरा ऑल इंडिया में बहुत ही अच्छा है। एक तरह का देखा जाए तो उनका जब भी कोई फिल्म आता है तो पब्लिक और ऑडियंस का है ना अंदर इतनी जुनून पैदा हो जाता है कि वो अपने आप है ना थिएटर चले जाते हैं। जिस प्रकार आप लोग अभी फिलहाल में हनुमान मूवीज रिलीज हुआ था गाइज, हनुमान मूवीज जो कि एक तरह के देखा जाए तो बहुत ही बड़ा ब्लॉकबस्टर साबित हो चुका है गाइज, तमिल तेलुगू मलयालम भाषा में रिलीज किया गया और अच्छा कलेक्शन कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो चुका है गाइज, 500 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन कर चुका है, मात्र 50 करोड़ के उसकी बजट थी गाइज, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन किया। और बात करते हैं फाइटर मूवीज की, फाइटर मूवीज का जो है ना बजट बहुत ही हाई है गाइज, 250 करोड़ का ये बजट फिल्म है गाइज। और एक तरह का देखा जाए तो बॉक्स ऑफिस पर इसको बहुत सारा कमाई करने पड़ेगा तब जाके ये सुपर हिट होगा गाइज, क्योंकि 250 करोड़ देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा बजट हो जाता है गाइज, जो कि ऋतिक रोशन के लिए एक तरह का बहुत ही बड़ा, एक तरह देखा जाए तो खतरा है गाइज, क्योंकि अभी के दिन में गाइज इतना बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन नहीं हो रहा है, 2024 की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं गाइज क्या ऑडियंस लोग इसको रिस्पॉन्स प्यार दे सकते हैं, लेकिन 2024 की सबसे बड़ी महंगी फिल्म यह साबित हो सकता है गाइज, क्योंकि ऑडियंस लोग को आदि प्यार मिलेगा तो जरूर सुपर हिट होगा। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।